खबर जोधपुर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत भरेंगे नामांकन। जी हां, पावटा चौराहे पर आयोजित होगी उनकी चुनावी सभा। सभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करने वाले हैं, साथ ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि वैभव गहलोत जोधपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी है। जी हां, आज दौरा बता रहे हैं आपको, वैभव गहलोत नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि जोधपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत। जोधपुर से खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत आज नामांकन भरने वाले हैं, पावटा चौराहे पर उनकी जनसभा आयोजित होनी है और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अविनाश पांडे भी मौजूद रहने वाले हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दयाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दयाल, बताएं। जी बताना चाहूंगा कि जोधपुर संसदीय सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत, जो मुख्यमंत्री के पुत्र है, वो आज नामांकन भरने जा रहे हैं। इस उसको लेकर एक पावटा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी सभा रखी गई है। वहीं पर उनका प्रधान कार्यालय भी है, वहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उस सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जो अविनाश पांडे हैं कांग्रेस के नेता, वो भी वहां मौजूद रहेंगे। और अभी कुछ ही देर बाद जो है वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन भरने पहुंचेंगे। बताना चाहूंगा कि आज नामांकन का अंतिम दिन है, अंतिम दिन आज वैभव अपना नामांकन भरेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस नेता पावटा चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं। दयाल, ये बताएं कि लगातार कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा मांग की जा रही थी कि वैभव गहलोत को भी अब चुनावी मैदान में उतारा जाए और आखिरकार इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वैभव गहलोत, तो क्या मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में हैं? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, जिस तरह पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर जिला है, जहाँ पर काफी समस्या है, साथ ही जो यहाँ की मूलभूत सुविधा है उनको लेकर चुनाव लड़ना चाहेगी कांग्रेस। इन मुद्दों पर कांग्रेस गरीबी हटाओ जैसे योजना लेके आई है, उस तरह से लगता है कि कांग्रेस जो इस बार जो चुनाव लड़ने जा रही है उसमें काफी टक्कर का मुकाबला रहेगा। जोधपुर की जनता से अगर आपकी बात हो पाई है तो क्या कुछ कहना है उनका, कैसे देखते हैं वो इस चीज को? काटा की टक्कर कही जा सकती है इस सीट पर, क्योंकि जो भाजपा के जो गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी केंद्र में किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री है और जो उनका भी वर्चस्व है वो काफी बड़ा है। और साथ ही जो जातीय समीकरण देखा जाए तो भी एक तरह से टक्कर की बात कही जा सकती है। जी दयाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जोधपुर सीट से और आज नामांकन वो दाखिल करने वाले हैं।